हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति। एंड आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हॉल होने वाला है, बिकॉज वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है एंड वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो ये बिल्कुल एक वैलेंटाइंस डे अप्रोप्रिएट हॉल होने वाला है। बिकॉज आपको डेफिनेटली किसी पार्टी में जाना होगा या कहीं जाना होगा, तो उसके लिए एक प्यारी सी ड्रेस चाहिए होगी आपको, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ब्यूटीफुल दिखने में भी हो और लेटेस्ट लाइक स्टाइल की हो। तो ये हॉल बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ब्यूटीफुल होने वाला है। सो आई रियली होप आपको ये पसंद आए। अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस लेनी है तो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा एंड माय हॉल स्टोर का भी लिंक मिल जाएगा। माय हॉल स्टोर का जो लिंक होगा उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा कलेक्शन एक साथ विजिबल हो जाएगा, फिर आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको लेना हो। तो बेसिकली मैंने ना मैक्सी ड्रेस, शॉर्ट ड्रेसेस, रेड, मरून और वाइन कलर की ड्रेसेस रखी हैं, जो इस वीक के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है आई थिंक। तो मुझे ये कलेक्शन बहुत अच्छा लगा पर्सनली, तो आई रियली होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप का कंटेंट देखने को मिल जाएगा, लाइक रील्स एंड फोटोज एंड लाइक लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वो भी आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जैसे आप मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड दिखाते हैं आज के वीडियो में क्या है। सो गाइस, सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वाइन कलर की ड्रेस है। एक्चुअली मुझे इस वक्त वाइन कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज ये शेड इतना अच्छा होता है कि लाइक सभी स्किन टोन पे अच्छा लगता है और सबके ऊपर अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने ये लिया है। इस तरीके का है, आपको एक साइड स्लीवलेस मिलेगी एंड एक साइड आपको इस तरीके से फ्रिल्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। लुक थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक इस तरीके से एक शोल्डर पे आपको आएगा ट्राई ऑन, आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। एंड ये इस तरीके का है, हाई नेक है इसका, पीछे आपको ये चेन या जब आप जो भी बोले वो मिल जाएगा। एंड इसे मैंने मीडियम साइज में लिया है, आपको यहाँ पर हुक भी मिलता है, तो इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आ रही थी, बिकॉज पीछे जब ये चेन मिलती है ना तो आप आराम से इसे वेयर करके उसे बंद कर सकते हैं, तो फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और जो ये फैब्रिक है ये स्ट्रेचेबल है, तो अगर थोड़ा सा लाइक यू नो बिल्कुल आपकी बॉडी शेप पर आएगी ये ड्रेस, बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी जो हाइट है वो 5'5" है, उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कितनी लॉन्ग है, मेरे नीज से ऊपर ही आ रही थी। एंड इस तरीके से इसमें इतना फ्लेयर है, काफ़ी प्यारा है, बिल्कुल भी शेयर नहीं है, कलर बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेयर करने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है ये सारी ड्रेसेस। सो आपको जो भी लेनी है आप ले सकते हैं कुछ इसी फैब्रिक पे। ना गाइज, मैंने नेक्स्ट ड्रेस भी ली है, वो इस तरीके से है, थोड़ा सा वाइन एंड मरून कलर में है एंड इस तरीके से है। और इसे मैंने ब्रांड MD से लिया है, मिस ऑलिव करके, एंड मैंने इसे मीडियम साइज में लिया है। इसमें इस तरीके से की होल जैसा पैटर्न मिलता है, नेक पे हाई नेक है इसका, स्लीवलेस ये ड्रेस है एंड बॉडी कॉन टाइप की ये ड्रेस है, नीचे से इस तरीके से है। मुझे काफ़ी लॉन्ग थी, हाँ मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर स्लिट मिलता है, ये बहुत हाई स्लिट नहीं है, मेरे नीज से नीचे ही था ये स्लिट, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन इसकी फिटिंग, इसका लुक और लाइक जब आप इसे वेयर करेंगे ना तो पूरा अच्छा सा शेप आ रहा था, आपकी बॉडी का शेप आएगा एंड हल्की सी लूज है फिटिंग, मतलब अच्छी है, मतलब जितनी होनी चाहिए मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग वो है, आप अपने साइज़ में ले सकते हैं। शेयर बिल्कुल भी नहीं है, मैंने हील पहनी थी 2 इंच की अप्रॉक्स, आपको ट्राई ऑन में दिख रही होगी, उसके बाद भी थोड़ी लॉन्ग है, तो अगर आपकी काफ़ी अच्छी हाइट भी है तो भी आपको ये हो जाएगी। एंड बहुत प्यारी सी ये ड्रेस है, पीछे आपको इसमें भी चेन मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, लाइक ऊपर पार्ट पर पूरा मिलता है, तो आप इसे पहन करके बंद कर सकते हैं आराम से, तो पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके की ड्रेसेस में चेन रहती है, जिप रहती है, तो बहुत कम्फर्टेबल रहता है, तो ये इस तरीके से स्लिटेड पार्ट है, बहुत ज़्यादा हाई स्लिट नहीं है, फिटिंग वगैरह आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं। कलर्स लगभग आपको सबके सेम मिलेंगे, बिकॉज मैंने लिया ही है वाइन, मारून, रेड, इस टाइप के शेड, तो इस वजह से, बट पैटर्न हाँ आपको सबके डिफरेंट मिलेंगे। लाइक ये जो नेक ड्रेस है वो दूसरे पैटर्न पे है, आपको इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक मिलता है, एक्चुअली ये रहा इसका फ्रंट, यहाँ पर आपको स्वीट हार्ट नेक मिलता है, कोल्ड शोल्डर मिलता है एंड काफ़ी प्यारे से ये पैटर्न है, लाइक इस तरीके से है, नीचे आपको यहाँ पर इतना घेर मिलता है, फिटिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं ये जो कर्व है वो बहुत अच्छा है, फिटिंग काफ़ी अच्छी है, ये मेरे नीज से थोड़ी सी ऊपर थी एंड पीछे आपको इसमें भी चेन एंड जिप, जो भी मैं चेन ही बोलूँगी, ये प्रोवाइड की गई है, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, आराम से पहन सकते हैं। मैंने इसे भी मीडियम साइज़ में लिया है एंड ये इसका ब्रांड क्या है, एडीवेरो,
या व्हाटएवर, तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उस तरीके का ये है इसका, ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारे शेड्स जो होते हैं ना वो सब पे अच्छे लगते हैं, और इस टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो इस वजह से मैंने लिया है। सो आई रियली होप आपको भी पसंद आए। एंड जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो रेड कलर की ड्रेस है, ये एले लंडन से है एंड मैंने इसे मीडियम साइज में लिया है। इन सभी का जो फैब्रिक है ना वो स्ट्रेचेबल है, तो अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो आपको आराम से आ जाएगा। इस तरीके से स्लीव्स हैं इसकी, फुल स्लीव है। यहाँ पर आपको दोनों साइड पे थोड़े से फ्रिल्स मिलते हैं, राउंड इसका नेक है, हाई नेक है एंड इस तरीके से इसमें इतने फ्लेयर्स मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये स्कर्ट जैसे, मतलब थोड़ा सा फ्रॉक जैसा है ये। एंड इसमें आपको ये अलग से, इसे मैं क्या बोलूँ, टाई करने के लिए मिलता है, बेल्ट टाइप का है। तो अगर आप चाहें तो साइड में टाई कर सकते हैं, पीछे भी टाई कर सकते हैं, आगे भी बो बना सकते हैं। तो टोटली अप टू यू, आप किस तरीके से इसे वेयर करना चाहते हैं। पूरा प्लेन है, कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें, बट फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छा आ रहा था। आप इसे बेलीज पे, हील्स पे, या जो मैंने सैंडल्स वेयर करी है वैसी सैंडल्स पे, लाइक बेलीज टाइप की है वो, ब्लैक इस पे अच्छा लगेगा। ब्लैक तो नॉर्मली सबके पास होता है, सब पे अच्छा लगता है, तो वो भी पहन सकते हैं। और जो मैंने हील्स पहने हैं ना वो सभी पर ही एक ही हील्स पहने हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको मैच करके सेम वही हील पहननी है तो भी आप पहन सकते हैं। और जो मैंने ईयरिंग्स पहनी है, अगर उसका भी लिंक हो पाया मेरे पास, मुझे अगर मिल गया तो, क्योंकि मैंने अमेजोन से ही लिया था, तो वो भी मैं दे दूंगी। सो गाइज, नेक्स्ट जो है एक, मतलब थोड़ी सी कैजुअल टाइप की ड्रेस है इस तरीके की, मिस चेस से मैंने ली है। एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में थी, मैंने मीडियम साइज में ली है। इसमें फ्रंट में आपको इस तरीके से चेन मिलती है एंड स्लीवलेस है, इसमें स्लीव्स नहीं है। और इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी थी। इसका जो फैब्रिक है ना गाइज, वो होजरी जो फैब्रिक होता है ना वो है। एंड आपको यहाँ पर ये डोरी मिलती है जिससे आप इसको वेस्ट से काफ़ी अच्छे से फिट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूज लग रही है तो आप इसको फिट कर लीजिए, और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। नीचे का शेप बहुत अच्छा आ रहा था एंड आगे आपको ये दो पॉकेट्स मिलती हैं। तो आप, वैसे तो नॉर्मली ये स्टाइल के लिए है, आप ज़्यादा कुछ हैवी इसमें रख नहीं पाएंगे, बट अगर स्टिल आप चाहते हैं तो फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। पीछे से भी पूरा प्लेन है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नॉर्मली ना आप अगर इस तरीके की ड्रेसेस पहनते हैं तो आप वैसे भी नॉर्मली ले सकते हैं अगर किसी ओकेजन पे आपको चाहिए, क्योंकि इसकी फिटिंग, लुक, क्वालिटी बिल्कुल भी श्योर नहीं है। प्राइस बहुत ही, सब कुछ बिल्कुल मस्त है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अफोर्डेबल सा कलेक्शन रखा है ताकि कोई भी परचेज कर सके। और इतनी अच्छी ड्रेसेस हैं तो आई थिंक आपको लेना चाहिए, आपको जो भी अच्छी लगती है। एंड गाइस, जो नेक्स्ट ड्रेस है वो रेड कलर की है एंड ये नेट के फैब्रिक पे, मतलब नेट पे पर वर्क किया गया है। आप देख सकते हैं स्लीव्स पूरी नेट की है एंड इसमें फ्लावर्स वगैरह बने हैं। पूरा फुल इसकी स्लीव है पीछे इस तरीके से, आगे ये बॉडीकॉन ड्रेस है, इसमें आपको चेन मिलती है एंड इस तरीके से है। तो आराम से ये फिट हो जाएगी, पहन सकते हैं आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे भी मैंने मीडियम साइज में लिया है एंड मिस चेज ब्रांड से ये है। इस ब्रांड में आपको वेस्टर्न वेयर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। इसको वेयर करने के बाद इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसमें अंदर आपको लाइनिंग भी प्रोवाइड की गई है जो किसी में अटैच्ड है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी शेयर नहीं है। और लाइक अगर लाइनिंग अटैच नहीं होती है तो कभी कभी लाइनिंग ऊपर उठ जाती है, ड्रेस नीचे हो जाती है, तो वो अनकंफर्टेबल सा होता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, अटैच्ड है, तो लाइक अच्छा रहेगा, मतलब कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरीके से ये है, पूरा नेट का इसमें वर्क है आगे पीछे दोनों साइड एंड रेड कलर की ये है, तो काफ़ी अच्छी सी लग रही थी। सिंपल सी ड्रेस है, आप इसे अच्छी सी हील्स के साथ, पर्स के साथ, ज्वेलरीज के साथ एक्सेसराइज कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। आप अपने साइज में मंगा सकते हैं। एंड इस हॉल की जो लास्ट ड्रेस है गाइज, वो इस तरीके की है, पर्पल कलर की है एंड इसमें मुझे ये मीडियम साइज़ में, एक्चुअली मैंने मीडियम साइज़ में मंगाया है बट ये मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लूज़ है, तो मुझे इसे एस में मंगाना चाहिए था। एंड इस तरीके से है, इसमें आपको यहाँ पर रफल्स मिलते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं ये लेयर है, रैप टाइप का है। बट इसमें आप नीचे थोड़ा सा कुछ लेगिंग्स टाइप का डाल लीजिएगा तो कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा। एंड इस तरीके का ये पैटर्न है, ट्राई ऑन में आपने देखा होगा, श्योर बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अच्छी बात। एंड जो ये इसका स्क्वायर नेक है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्क्वायर नेक, स्वीट हार्ट नेक, ये सब बोट नेक, ये सारे नेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ये बिल्कुल पार्टी अप्रोप्रिएट है, तो अगर आप पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी प्यारी सी ये सिंपल सी ड्रेस है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सभी जाएंगी। सो आई रियली होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कलेक्शन कैसा लगा।
सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई रियली होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।